राजभर के बाद अखिलेश यादव को जीत के लिए चाहिए जेएस फैक्टर। आखिर क्या है जेएस फैक्टर जिसको लेकर अखिलेश यादव इतने परेशान है? नमस्कार, स्वागत है आपका खबरबाजी के इस अड्डे पर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर से हाथ मिलाकर ये साफ कर दिया है कि वो किसी के आगे झुकेंगे नहीं। जिनको साथ आना है साथ आए, सीटों की शर्तों पर कोई भी गठबंधन मंजूर नहीं। अखिलेश यादव की सेना हर दिन मजबूत होती नजर आ रही है। कभी बसपा कभी कांग्रेस के नेताओं का अखिलेश से मिलना ये साबित कर रहा है कि बीजेपी के अलावा अगर कोई विकल्प है तो वो है समाजवादी पार्टी। अखिलेश को अभी जरूरत है पश्चिम में अपना किला मजबूत करने के साथ ही साथ अपनों को साथ लाने की, यानी जरूरत है जेएस फैक्टर की। क्या है जेएस फैक्टर? राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया प्रसपा के चीफ शिवपाल यादव ये वो फैक्टर हैं जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव को विधानसभा में जीत हासिल करवाने में बड़ा कारक साबित हो सकते हैं। अगर बात करें राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी की तो पंचायत चुनाव तक सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन हापुड़ के नूरपुर में हुई राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी की सभा ने मानो रातों रात सब कुछ बदल दिया। उनके गठबंधन पर दिए 7 अक्टूबर के बयान समाजवादी पार्टी से गठबंधन 2022 की बात है और उसके बाद 2022 में ही करेंगे ने मानो अखिलेश यादव के पश्चिम उत्तर प्रदेश विजय रथ पर विराम सा लगा दिया। हालांकि सपा के साथ ना जाने की बात कही नहीं, पर इशारों में सपा से अच्छी पेशकश की उम्मीद भी जताती है। कांग्रेस के हाथ ना थामने की बात अपनी अगली सभा में कहकर ये साफ कर दिया है कि इस बार कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। शिवपाल के साथ आने पर होगा बड़ा फायदा। दूसरी तरफ चाचा शिवपाल अगर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ आ जाते हैं तो उन सभी जगह जहां अखिलेश यादव ने जीती हुई बाजी हारी थी उन सभी जगह पर एक बार फिर साइकिल की सवारी कमल पर भारी पड़ सकती है। आज कौशाम्बी में दिए बयान हम सपा के साथ जाने को तैयार हैं ने ये साफ कर दिया है कि चाचा अभी भी साइकिल की सवारी करने को तैयार हैं, लेकिन अंतिम फैसला अखिलेश का होगा। जेएस ये दोनों वो बड़े फैक्टर हैं जो अखिलेश के लिए संजीवनी का काम कर सकते हैं। अपने दोस्त राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी का हाथ और चाचा का आशीर्वाद कब मिलता है, इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों की निगाहें टिकी हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।